सफलता के पीछे सकारात्मक ऊर्जा का होना अहम होता है और यही काम गुरु भी करता है। गुरु जीवन के अधिकतर क्षेत्रों में सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक होता है। अगर गुरु कमजोर हो तो तमाम तरह की गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। कैसे समझें कि बृहस्पति जीवन में शुभ फल दे रहा है या नहीं, जानिए इसके बारे में। देव गुरु बृहस्पति को जिसने साध लिया, समझिए उसके जीवन के कष्टों और दुखों का अंत हुआ। यानी बृहस्पति आपके जीवन के सभी कष्ट काट सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा और शुभ ग्रह है बृहस्पति। बृहस्पति मजबूत हो तो दूसरे खराब ग्रह भी इंसान को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचा पाते। परिवार हो या समाज, हर जगह मान सम्मान दिलाता है बलवान बृहस्पति। लेकिन अगर कुंडली में गुरु ग्रह सकारात्मक संकेत नहीं दे रहा, अगर कमजोर है बृहस्पति, तो वो लक्षण क्या होंगे? यदि आपके कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं, आपका कार्य नहीं बन रहा हो, शरीर में बृहस्पति का विशेष प्रभाव लीवर में होता है, अगर आपकी पाचन शक्ति ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है। आपके शरीर में यदि चर्बी बढ़ रही है, गुरु या बृहस्पति जो है वो चर्बी और कोलेस्ट्रॉल के कारक होते हैं, आप अनायास शरीर फैलता जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, इसका मतलब बृहस्पति की स्थिति अनुकूल नहीं है, निर्णय आप सही नहीं ले पा रहे हैं। बृहस्पति चूंकि ज्ञान के कारक होते हैं, विजडम होते हैं, प्रज्ञा होते हैं, तो अगर आप सही निर्णय जीवन में नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब बृहस्पति आपका खराब चल रहा है। कैसे समझें कि बृहस्पति जीवन में अशुभ है? बृहस्पति के कमजोर होने से व्यक्ति के संस्कार कमजोर होते हैं। विद्या और धन प्राप्ति में बाधा के साथ साथ व्यक्ति को बड़ों का सहयोग पाने में मुश्किलें आती हैं। व्यक्ति का पाचन तंत्र कमजोर होता है। कैंसर और लीवर की सारी गंभीर समस्याएं बृहस्पति ही देता है। संतान पक्ष की समस्याएं भी परेशान करती हैं। व्यक्ति सामान्यतः निम्न कर्म की ओर झुकाव रखता है और बड़ों का सम्मान नहीं करता। गुरु ग्रह है बृहस्पति, इंसानी जिंदगी पर गहरा असर छोड़ता है ये ग्रह। ज्योतिष के जानकारों की माने तो अगर सही तरीके से बृहस्पति के उपाय किए जाएं, तो आपकी कुंडली में बृहस्पति की दशा में बहुत जल्द सुधार आ सकता है। बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए हमें सुबह नहा धो के और केले के पेड़ के नीचे पूजा करनी चाहिए। केला का पेड़ यदि घर में हो तो उसके नीचे बैठ के हमें पीले प्रसाद का भोग लगाना चाहिए, जैसे चना वगैरह रख लें। चना बृहस्पति देव का ही सामग्री है, और पीला कपड़ा, पीला फूल बिछा के, और बृहस्पति का मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः, ये बीज मंत्र है, इसका एक माला प्रतिदिन जपना चाहिए, तो इससे बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त होती है। अगर बृहस्पति अशुभ हो और मारक फल दे रहा हो तो क्या उपाय करें? नित्य प्रातः हल्दी में मिलाकर सूर्य को जल अर्पित करें। एक सोने या पीतल का चौकोर टुकड़ा अपने पास रखें। बरगद की जड़ को पीले धागे में लपेटकर गले में धारण करें। भोजन में हल्दी का प्रयोग जरूर करें। नित्य सूर्योदय के पूर्व गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। हमें दान करना चाहिए बृहस्पतिवार के दिन, जैसे दान में आपका हो गया पीला कोई चीज, जैसे बेसन का लड्डू आप दे सकते हैं, बेसन का दान, चना का दान, मीठा कोई बना के हलवा वगैरह आप गाय माता को खिला सकते हैं गुरुवार के दिन। ये सब करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं और उनकी अनुकूलता प्राप्त होती है। तो अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं और देव गुरु से पाना चाहते हैं खुशहाल जीवन का वरदान, तो इन उपायों को अपनाकर आप देव गुरु बृहस्पति से कृपा हासिल कर सकते हैं और अपने कुंडली के गुरु को मजबूत बना सकते हैं।